आपकी क्या उम्र है? मेरी तकरीबन 28। 28 साल के आप हैं और आप बता रहे हैं आपके बड़े पढ़ते थे, बड़े भाई वगैरह। बड़े भाई वगैरह जी, तो वही बात है कि 23 साल 24 साल हम सही पहुंचे थे। नहीं तो इसके बंद होने की वजूहत क्या थी? ये दरअसल भूत यहाँ पे बहुत हैं, भूत बंगला ये मशहूर है। कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ, मतलब डरावना मंजारा देख रहे हैं यहाँ पे, डरावना मंजर। दिन में मतलब इतने साल से चलता हुआ स्कूल अचानक, तो ये रास्ते पहले बंद हुए या स्कूल खाली होने के बाद रास्ते बंद हुए? ये रास्ते बाद में बंद हुए, पहले ये खाली हुआ। हाँ, ये खाली हुआ। अच्छा, ये क्लास थी? और उस वक्त ये झाड़ियां नहीं थी यहाँ पर? हाँ, झाड़ी नहीं थी। रास्ता था पीछे गांव को जाता था। हाँ। यहाँ आप बता रहे हैं क्या टीचर के कोई बाल खींचता था? हाँ, टीचर के कोई बाल, और बच्चियों के बाल काट देता था, और वो एक सर था वो घूम रहा था सिर का। अरे कौन रुकेगा यार, आज हमारी बिल्कुल ये है यहाँ पे, तो उस दौरान जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो कौन रुकेगा। एक रास्ता ये जहाँ से हम आ रहे हैं बयाबान, एक येरा, तीनों रास्ते सारे पैक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो बस ये ऐसे खुला हुआ है? ये खुला हुआ है ऐसे ही। कितना, 6 महीने पहले देखा, 7 महीने देखा चौकीदार को, कब देखा? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल तो होगा। 1.5 साल पहले देखा चौकीदार था यहाँ पे। हाँ। उसके बाद किसकी बात की गई? तो वो जब था यहाँ पर उससे बातचीत होती थी? नहीं, हम लोग यहाँ पे आना ही डरते थे, हम लोग यहाँ पे नहीं आते थे, ये खौफ का मंजर चल रहा है यहाँ पे। नहीं तो बाहर कहीं मुलाकात होती थी कोई, उसका क्या कहना था इस बारे में? उसका भी तो यही कहना था अभी। मुझे लगता नहीं है कि 1.5 साल पहले भी वो आया था अंदर। अगर 1.5 साल पहले आया होता सुबह में तो ये हालत नहीं होती इस जगह से। एक सर जो है वो ज़मीन पर चल रहा होता था या मतलब ऐसे जा रहा होता था सर ज़मीन पर? ऐसे जा रहा होता था सर नीचे, और कोई जिस्म का कोई और हिस्सा नहीं? नहीं, नहीं, कोई नहीं। ये किस किसने देखा? कोटवाल में बड़ों ने देखा था। और ये जो रास्ता जाता है इधर कुछ बना हुआ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है? सिर्फ जंगल है। अब ना सुहेल भाई, यहाँ पे वो बात भी क्लियर हो जाती है कि चलो अगर ये बात फैलाई गई डराने के लिए, जगह पे कब्जा करने के लिए, लेकिन उस कब्जे करके आपने क्या कर लिया इसको कब्जा? बाकी के 3 रास्तों पे तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो कालम गिरा हुआ है, वो भी तो खाली प्लॉट है। कंस्ट्रक्शन ज़ाया किए आपने पैसे अपने? ज़ाया हुआ, कॉलम गिर गए, उसके साथ ही दुकान भी है, एक मकान भी है। स्कूल गया, रास्ते बंद हो गए, जंगल बन गया, ये कोई शरारत तो नहीं लगती मुझे? वो बड़े कहाँ पर हैं, बड़े भाई वगैरह आपके जिनसे जिनके साथ ये हुआ? गोट में होंगे। होंगे? हाँ। यार किसी एक से हमारी बात करवा दोगे? वो जो यहाँ पर पढ़ता था सुन रहे, वो जो बताएगा बात वो तो कोई और नहीं बता सकेगा। अगर मिल सकता है हमसे बात कर सकता है तो अच्छी बात है। कितना वोट आपको कितना दूर है? 2 किलोमीटर दूर। हमें पता चल जाएगा रात में यहाँ पर आने से पहले, तो आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ गेट तक ले आए, अंदर ना लाए, गेट तक ले आए, और किसी को भी ले आए, हमें किसी के पास ले जाना है, हमें ले चले। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ठीक है यार, एक बात बताएं, इन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले तक चौकीदार था, ये गए अभी लेने किसी को? 1.5 साल पहले यहाँ पर चौकीदार देखा था इन्होंने, उसके बाद नहीं था और अब तक नहीं है, गेट खुले हुए हैं। क्या ये चीज़ें चोरी नहीं हो जाती? कौन आएगा तीनों रास्ते से, कह रहे हो तसव्वुर नहीं करता यहाँ से गुजरने का। हमारे जो नशा करने वाले भाई हो जाते हैं उनको तो कोई गर्ज ही नहीं रहता ना, वो तो गटर के जो कब्रिस्तानों तक में वो जो मिल जाए ले जाते हैं, वो तक इन चीज़ों को क्यों नहीं लेके गए? चारपाई यहीं रखी गई,
फावड़ा कहते हैं, फावड़ा है, बेलचा है, बेलचा। और कई आपने सामान देखा है, वो जो मशीन है, मिक्सर मशीन, मशीन ऐसे रखा हुआ है। 2 किलोमीटर दूर है इलाका, कौन कौन वापिस जो जो इसके अफवाह फैली है हकीकत में है, कितनी होगी सजा भाई? एक हो तो बंदा माने, हम लोग आए, हम लोगों का चेहरा चेक करें ना सबके, तीनों के। बड़ा कुछ ऐसा है जो नहीं जानते। हमें ये कहा है 9-10 साल से बंद है। अल्लाह है क्या, वो कौन है? वो तो भी आ गया है, आ गया वो, आ गया जी, आ जाओ। आ जाए इधर ही आ जाए, वो रोड पे शोर है ना, इसलिए कह रहा था। सब खैर है? यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है भाई, कोई भी आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। मतलब? मतलब मुझे भी मना करा यहाँ से। क्या क्या आपने यहाँ क्यों आया? नहीं तो हम चले वहाँ पे, उनसे बात कर लें। नहीं भाई, उन लोगों का कहना है कि हमें इस बारे में बात ही नहीं करना। अच्छा, मतलब ये इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेंगे? इस मामले में तो बात नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, ठीक है, फिर इन्हें जाने दें, मौका अच्छा है, गाड़ियाँ आ रही जा रही, निकल जाएंगे। अभी अंदर क्यों नहीं आ रहे थे, क्या सुन लिया ऐसा, हमें तो बताओ कम से कम। घर वालों ने बहुत डांटे मेरे को। क्या कहा? बोला अभी गए हो, बाद में नहीं जाना। क्या कहा, क्या उन्होंने ऐसा, जो आप अभी तो हमारे साथ तो अंदर थे, अब अंदर भी नहीं आ रहे हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि वहाँ पे कभी जाना ही नहीं। मतलब हुक्म दे दिया इनको एक किस्म का, जाना नहीं, जाना नहीं वहाँ। बेहतर है राशिद भाई, बड़ी मेहरबानी आप आए बताने के, बहुत शुक्रिया। आराम से जाओ, खैर से जाओ, ठीक है। सर ये इसने नहीं बताया है, ये तो कोई बूढ़ा जो होगा ना यहाँ पे पुराना, या वो चौकीदार, इसके अलावा कोई नहीं बताया। वो तो वो चला गया ना आपके सामने भी, घर बस खुला छोड़ के अपने सामान छोड़ के यहाँ पे। वो तो ऊपर जाना क्यों बंद किया है, मुझे शाम को याद है मैंने ऊपर से फीड आ रही थी, मैंने आपसे कहा था क्या? हाँ मैंने कहा था ना, चमगादड़ घूम रही है ऊपर रूम में। हाँ ये तो बाद में बनाई गई है, पर क्यों? जगह छोड़ दी है इसने, यहाँ से भी, इस तरफ से भी। ऐसा अचानक यहाँ पर क्या हो गया? जो चलता चलता स्कूल सब कुछ ठीक, वही बच्चे जो रोज आते, वही टीचर जो रोज आती, वो ऐसे भागे यहाँ से कि जगह ही भूत बंगला बन गई। और ये तो ये इसका पूरा इलाका ही भूत बंगला बन गया। क्या करें? अरे नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है ज़्यादा बातें। कोई टाइम है फिक्स जिस पे अटैक होता हो, जिस पे मार पड़ती हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई डेंजर जोन में खड़े हैं। नहीं हो क्या सकता है ऐसा? सुबह ऐसा अचानक तो तब होता है जब खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही बड़ा कोई अमल जो है ना जी, वो उल्टा हो जाए। ऐसा लगता है कि वो किसी आमिल ने कह दिया होगा, जो बाहर दरख्त है वो अल्लाह माफ करे, वो जला दो उसको। जला दी क्यों? जला के कौन सा है? जला अच्छा तरीका है, आप पहले दरख्त को जलाते हैं फिर काटते हैं। एक दरख्त नहीं, जितने भी यहाँ दरख्त थे पहले जलाया गया सबको, फिर काट दिया। यार ये तो उठवा देना कल परसों यहाँ से यार, कह देना उनको यार कोई तरीका नहीं है। मैं खुफिया ऑपरेशन में
एक फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री क्या घर में कारखाना था जी, वो ये पापड़ बनाते थे, चिप्स नहीं होती पापड़, तो उन्होंने क्या किया ऐसी फर्श पे ना कौन? हेलो कौन है? बहरहाल तो मुझे याद है उन्होंने फर्श साफ था, कच्चा फर्श नहीं होता सीमेंट, साफ था, उस पर वो पापड़ बिखेरे हुए, ठीक है, और उन्हीं की पैकिंग हो रही थी जो मार्केट में सस्ते पापड़ ने पैकेटों में मिलते हैं। तो मैंने उनसे कहा ये क्या तरीका है? कहते हैं जगह साफ है। मैंने कहा हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, एक अंदाज होता है। पानी कभी आप लोटे से पियेंगे, बर्तन है, लेकिन आपके जहन में क्या आएगा कि लोटे से पानी कभी पिया नहीं जाता, चाहे वो आप नया ही खरीद के क्यों ना ले लें। मैं आपको एक कभी एक्सपेरिमेंट करके देखूँ कि इसमें पानी पिलाना होगा लोटे में डाल के दीजिए, मतलब उसका जहन कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। आप ये जो रोडों पे गदागर होते हैं आप इतनों भी देख वो भी नहीं मेरे ख्याल से, इसी तरह हर चीज़ का एक तरीका है। रोटी के फरमाते हैं इज्जत है यार, रोटी जब हम घर पे लगाते हैं खाना खाने के लिए पहले खुद बैठना है, रोटी को बाद में लेके आना है। बिल्कुल, ये अगर रोटी है पहले रोटी को उठाना है फिर आपको उठना है, कभी छोड़ना नहीं है, उसकी इज्जत है, बिल्कुल उसकी कदर है। ये यार ये तो फिर और बुलावे है ना, फिर आपको पता है जब आप नहीं मानते फरमान की नाशुक्री करते हैं फिर क्या होता है? ये जो हो रहा है यहाँ पर अब क्या पॉजिटिविटी काम करेगी यहाँ पे? सफाई ऐसी कुछ बदबू थी उसमें। मुझे यकीन है कई लोगों ने महसूस कर देखते हैं। हाँ देखते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। कुछ चल रहा है जाने का चरचराहट की आवाज है, करीब आ रहा है। कौन? क्या हल हल क्या कहा? कौन है? यार हर बात की जवाब ही क्यों देता है?
हेलो एक सेकंड सिर्फ हाथ बाहर निकालें, आपको ऐसा लगेगा बड्डी में आ गए। अरे आवाज क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही है आज? जी फंक्शनिंग हो रही है, ये ऑन ऑफ हो रही है, देखिए पकड़ के रखे साहब, हम पकड़ के रखे। तो मुझे कहा है इसने कुछ, अब शाम में जब अंधेरा नहीं हुआ था तब बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, और अभी आपको बताऊँ एक बच्चे की आवाज़ आ रही थी बार बार इस जगह से, वो कुछ कह रहा था। पहले उसने कहा जाओ, फिर उसने कहा हल। महसूस होता है जैसे अंधेरे में भी स्याह चीज़ें हैं। कुछ कहा है यार ये टेम्परेचर का मुझे बताया था, ये पहली बार हो रहा है ये जगह ठंडी हो रही है, बाहर की यार अंदर गर्म होना चाहिए, बाहर बढ़ रही है ब्लैक की। दीवार चुनवा दी, ऊपर क्या है, ऊपर है क्या ऐसा है? ऊपर जो कुछ भी है सर अभी पढ़ता नहीं है, जो कुछ यहाँ है वहाँ भी हमारे साथ पढ़ता ही रखा गया है। हम पागल हो जाएंगे, हम अंदर ढूंढ करेंगे, ये उस तरफ आ जाएंगे, हम उस तरफ भी अगर चले गए ना ये इधर आ जाएंगे, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आज सभी कोई भी किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के पीछे नहीं, आज बिल्कुल कोई धोखा नहीं करता। वो बिल्ली इस जगह बैठी हुई थी ना? बिल्कुल, वो पहले बहुत आप कह रहे थे ना वो शायद दरख्त का हॉल है, वो पहले पहले मुझे इतना सा नज़र आया, फिर वो बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया ऐसा लगा वो आते जा रहे हैं बैठते जा रहे हैं, अब क्यों नहीं नज़र आता? वो दरख्त का हॉल था तो कहाँ चला गया? इसके बाद ये बच्ची की आवाज नहीं साहब भाई, मैं वही कह रहा हूँ फैमिली इस दरख्त में लगता है बैठी हुई है, उनकी आवाज आ रही है। किसी मर्द की नहीं आ रही, औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे बहुत सारे। कमांड देख जरा वो सब किसी मर्द की नहीं आ रही, औरतों और बच्चों की आवाज़ें आ रही, बच्चे बहुत सारे। कमांड देख जरा वो सब ऐसी आवाजें आ रही हैं, मेरा हाथ बाहर निकालते हुए डर लग रहा है, पता ही वो इधर ही पकड़ लेगा। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये यहाँ तक आ चुके, सिर्फ और सिर्फ हमें बहलाया जा रहा है, दिखाया है वहाँ जा रहा है, और ये जो कुछ भी होगा ना हमारे पीठ पीछे हो जाएगा। ये निशान दिखाइएगा, ये सामने हमें ये दीवारों पे नहीं, उंगलियों में निशान आते हैं।
ये सही कह रहे हैं कामरान पे शोक भाई, चूंटियाँ नहीं है इस पर, चूंटियाँ नहीं है, ये फूटी भी नहीं है सर। जंगल है साहब, कीड़े तो यहाँ पे बहुत होते हैं, मकौड़े वो नहीं है खाने की चीज़ पे, वो मीठी चीज़ पे मीठी चीज़ चले सर। ये तो मुसलसल करीब आती जा रही है आवाज़, आ जा जरा हम भी तैयारी करके आए, बात करने की कोशिश करो। चलो मेरे तो गले में दर्द हो रहा है। कौन हो आप, इतना करीब आ गए, इतनी वाजे आवाजें आ रही हैं आपकी, तो दिखाते क्यों नहीं अपने आप को? कैसे हो सकता है साहब, दो किलोमीटर है यार, वहां से आवाज पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं। लेकिन ये हमसे ये क्यों कह रहे हैं कि जा हल हल चलो को कहते हैं ना, चल चल नहीं जा चल, ये क्यों कह रहे हैं हमसे? शायद उनका यहाँ का टाइम हो रहा है ये सब। ये देखिए आपकी बात पे क्या रिस्पॉन्स है समझ नहीं आया, लेकिन दिया जरूर है उन्होंने, सुनो है ना, इधर से आ रही है बाबा। इतना तो करीब चला गया मैं सर, तो ये दीवार मेरे से सिर्फ और सिर्फ आधा गज रह गई होगी यार, ये एक गज रह गई होगी, मैं पूरी लाइट ले जा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा कोई यार। किसी बाहर के आदमी को ला के ये दिखाओ ना यार कि ये आवाजें कहाँ से आ रही, ये देखना यार कामरान, हम पागलों की तरह खड़े हैं यार इनकी आवाजों के पीछे। हाँ हाँ सामान वो तो है ना सर भी है आपको, लेकिन मुसलसल नहीं देखना था आपको, शाम को मैंने रोका था ना, क्या दिख रहा है आपको अभी, क्या दिख रहा है सर भाई ये तो बताएं मुझे। ऐसा लगता है वो गढ़ वही है सर पर, तो काली चीजें हैं वो साये में। अल्लाह खैर करे यार, मैंने मना भी किया था सर भाई आपको, सुन रहे हैं ना, ना सुन भाई पहले कहाँ थे यार, पहले कहाँ थे, कहाँ थे ये सब देखते रहना आपका, मैं देख रहा हूँ अच्छा मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड लाइट में ये देखो भाई इसका मोबाइल में चेक कर, कोई ऐसे लग रहा है, वही मैं कह रहा हूँ कामान भाई मुझे ऐसा लगा कि खड़ा हुआ था, और वो यार ऐसा था सुरभि कि मेरी नज़रें नहीं हट रही थी, मतलब इसे कहते ना टिकटिकी बन जाती एक जगह पर, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हो रहा है यार, मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार।
राइट एंड पे मेरे राइट एंड पे आया मेरे इतना अंदर सर तुम्हें लाइटें काम नहीं कर रही है यार ये देखो है। तो आप उत्तर प्रदेश साकत कैसे खड़े होगे बिल्कुल यार मैं आवाज दे रहा हूँ आपको अल्लाह सुन भाई ये कितनी चीजें रही है कि पीछे थे ना कुछ काली चीजें मेरे को एक चीज नजर आई है जो स्पीड में सिर्फ जाते हुए नजर आई है राइट हैंड में मेरे तो तीन मैंने यहाँ इतना बड़ा इतना बड़ा मेरे साया देखो ये यहां से यहां तक अभी कौन है यार मत करें यार अभी क्या हो गया क्या हो गया वो चीज इधर ही है यार अभी यहां तक था यार ये तो नहीं काला यार नहीं काला कैसा था ये काला अलग है वो डार्क स्याह सर्कल मतलब कोई नहीं बना हुआ यार पूरा इतना बड़ा यार ये हाइट होगी तो वो तो वहां देखा हमने यार यहां देखा मैंने रिकॉर्ड है मेरे पास रिकॉर्ड है यार भी यहां भी किधर जाऊं थोड़ी देर रुक जाए साहब भाई मुझे तो मैंने कहा था ना कोई टाइम है साहब भाई इनका जितना सुकून में थे ना हम नहीं गेट तक तो आ गए थे ना आवाज बहुत वाजी थी इनकी पागल है क्या तू यार भाई मैंने देखा मेरा दिमाग में काम छोड़ दिया मैंने बोला वहां से निकलते समझ से बाला तरह अगर वो बाहर थी तो यहाँ तक कैसे आई इसका मतलब और भी है ये मेरी बात सुनो मैंने वहां पर एक बुढ़िया नुमा देखी बुढ़िया झुकी हुई बुढ़िया नहीं हाँ बिल्कुल मुझे वो देखा मैंने हाँ। वो देख के मैं पीछे हटाऊ मैंने आपसे ये बोला है कि उस जगह का रास्ता कहाँ है हम यहाँ तक पहुंचे मैं बाहर जैसे बहुत सारे लग जमा मेरी निगाह यहाँ पड़ी है आप दोनों चीखे हो क्या वो चीज तो वहां थी ना यहाँ कैसे देख लिया आप यार ये एक नहीं है ना मैं आप यहाँ थे कमरा मेरे पीछे मैंने सिर्फ जाते हुए आपके साथ सिर्फ यूं किया मैंने यार इतनी बड़ी हाइट की यार यहाँ से देखे ना इतनी बड़ी हाइट ये काला धुएं नहीं है ना एहसास भाई नहीं है ना मेरी बात माने ना यार चीख निकल गई यार कोई मतलब तस्वीर नहीं था शाम से मैं वो जगह देख रहा हूँ एक मिनट जब सबसे पहले हमने इन चीजों को यहाँ से वहां जाते हुए देखा तो ये एक नहीं थी नहीं आपको बोला एक के पीछे एक के पीछे एक सोहेल भाई ने बोला एक आपने बोला दो मैंने बोला तीन ये तीन से भी ज्यादा है रिस्क ना ले जब देखिए अभी अगर ध्यान पड़ गया और बचत हो गई मतलब ये पागलों की तरह भागा अगर खुदा ना खास्ता हम भी भागते हम इसे छोड़ देते या हम एक दूसरे को छोड़ देते तो कहाँ मिलते हम इस जंगल में कहाँ मिलते हम बताए ना ये तो रिस्क है या तो जानबूझ के वहां पर अपने आप को खड्डे में डालने वाली बात है दूर से ही तो देखा और कितना करीब इससे भी ज्यादा साकत थोड़ी है हमें यार ये हमने यहाँ देखा ना यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाए रास्ता होता तो हम शांत चले जाते मैं देखा मैं रिकॉर्ड है मेरे पास यार देखा बचत हो गई है
बचत हो गई है, अल्लाह ने कर्म कर दिया। हाँ ना, वो बचत हो गई ना सर, अगर ज्यादा कुछ लग जाता तो घुसा अंदर क्या है, ये फांस लग गई है उसको, फांस घुसी गई। हाँ जी, चलो चलो अल्लाह ने कर्म कर दिया, चलो कर्म कर दिया, निकला अंदर से फोन निकाल दिया ना, निकाल। तेरा हाथ इतना मोटा है, ये सूजा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं मोटा है सजा भाई, वो हाथ की निर्मल सही है। चल जगह तो देखो, उनकी जगह पे जाके मतलब क्या करना है यार, ये क्या है इधर, ये क्या है सामने, वो आ गया ना, रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, वो तो आगे था। हाँ। ये कौन है सामने, ये बहुत सारे हैं यार, किस किस को रिकॉर्ड करेंगे हम, इसके सीध में वो साया, वो देखो वो सुन पे, वो देखो सामने यार, ये आ गया रिकॉर्ड में, दरख्तों के गैप में आ गया सर, मेरे पास आ गया रिकॉर्ड, क्या आ गया, आ गया ये रहा, ये दरख्तों के बीच में गैप नहीं था सुलभ, शाम से जो हमें लग रहा था ये गैप नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। कुत्ते भौंक रहे हैं ना, बस यार बस सजा गई। ये तो आपको बता रहा हूँ मैं कि हम पहले हैं यहाँ पर, सालों बाद जो यहाँ पर आया है ना, ये रास्ते वास्ते सब बंद हो चुके हैं। ये जगह दिखाओ बस, इधर आओ आगे, यहाँ से दिखाओ सुलभ। हाँ। ये जगह दिखाओ बस, अल्लाह अकबर, सुन रहे हो टटेरियों को, बिल्कुल भाई। ये है ना यार उनकी जगह, ये सुना बच्चों, उन्हीं के घर है, उन्हीं के बच्चे हैं ये, और हम जो है ना बिला वजह घुस रहे थे उनकी जगह पे। घंटी सुन पे, उनके जानवर भी, ये लो इधर आ कामरान, इधर कौन सा जानवर है, कोई नहीं है यार इधर, कोई जानवर नजर आ रहा है, ये घंटियों की आवाजें टन 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 की यहाँ से कैसे आ रही है। हेलो, क्या आपको भेजा गया है यहाँ पर, क्या चाहते हैं आप, क्या नाम है आपका, क्या जा जा, आप क्या चाहते हैं, आप हम चले जाएं यहां से, मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या चाह रहे हैं, आप हमें क्यों भगाना चाह रहे हैं यहां से। बस सजाद भाई बहुत आगे आ गए, बहुत आगे आ गया, ये दरख्त की डिजाइन देख लेना, ये जो नई टहनी है दादा, हाँ इनमें घास है, हाँ ये क्या चक्कर है, अल्लाह अकबर यार, इनका घर थोड़ा सा ही दूर रह गया साहब, अगर वहां तक चले गए ना फिर कहीं नहीं जा सकेंगे, इधर आ जाए। नहीं सुहेल भाई, क्लास वो रही, मैं जा रहा हूँ जहाँ हमने इनको देखा था अपनी आँखों से। सुहेल भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, कि घर तक तो आ गए हम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पहुँच गए हैं दादा। यहाँ दीजिएगा लाइट, क्या देख लो पैरों में, ये आवाजें दूर नहीं थी पहले, दूर है दूर है दूर है, लेकिन ये हमें बीच में ले आए हैं जंगल के। ये लो सुन पे आवाजें, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें यहां तक आने दिया। आखिर किसी से क्या गलती हुई है यहां पर, नीचे कांटे हम भाग भी नहीं सकते हैं इस वक्त,
आप नोट कर रहे हो कुत्ते भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे, ये घंटियां हमारे करीब कैसे आ रही हैं? बस वो ले आए, जहां तक हमें लाना था वो इससे आगे भी ला सकते हैं यार। चल भाई, हमें आवाजें बच्चों की आई। चल भाई जी। कामला जी, जी भाई, इसके ऊपर है, इसी के ऊपर है और शाम से हमारी पट्टी ऊपर ही घूमी है। मेरा जूता ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या लकड़ियों का कांटों का जूता बना दिया। ये चेक करें आप, ये चेक करें, ये देखें, ये चेक करें यार, ये देखें। बस कोई अल्लाह करे घुसे ना सिल्वर टटेरी। थम गया सब, अच्छी बात नहीं है। दिखाओ, अल्लाह एक हड्डी पीछे भी छोड़ गया हूँ सर, भी बहुत बड़ी हड्डी थी वो जो हमने रिकॉर्ड की है। नहीं, इसके अलावा कहाँ है वो? आगे की तरफ। मैं आपको बता दूं कि ना मैं सुपर हाईवे पे हूँ, ना मैं सुजानी टाउन पे हूँ, मैं हूँ बंद मुराद खान की हवेली के पास, हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास, कराची का तीसरा कोना जी। यहाँ भी आ गई है, ठीक हमारे सर के ऊपर। सुहेल भाई है ना गढ़? बिल्कुल गढ़ है, मैं तो कह रहा हूँ ना, वो अपनी बात अपने तरीके से ना, वो किसी तरीके से हमें बीच में ले आए, जंगल से ले आए बीच में। अब कुछ हो ना तो हैरत मत कीजिएगा कि ये क्या हो गया। चुपी नहीं हो रही, इन्हीं की जगह पे हूँ, टोटल इन्हीं की जगह पे। हड्डी कहाँ देखी है आपने? वो आगे, वो बड़ी सी हड्डी जो कामरान भाई ने दिखाई, टटेरी कुत्ते। बता तो सही, मैं आपको बता रहा गाड़ी आप स्टार्ट तो करें, ये बात मान ले रहे हैं, कुत्तों समझा होगा ना शायद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरी टीम की तरफ से जी। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो जी शुक्र है, आप सब चाह रहे थे कि इतवार का दिन वापस आ जाए, इसका पुराना टाइम वापस आ जाए 7 बजे का, वो आ चुका। फिर बिल्कुल जी यकीनन आप पहुँचे होंगे कि ये कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, ये क्या हो गया, ये आप कहाँ चले गए। मुझे पास मैसेजेस पहले से ही आ रहे थे, जब आपने SSD शेयर की थी ना उस वक्त से ही आ रहे थे मेरे पास मैसेजेस कि हम कभी हमने ज़िंदगी में मूवीज़ में भी ऐसे एक सीन जो है ना वो नहीं देखे, फिक्शन में भी नहीं देखे, ये आप पहुँच कहाँ गए। तो मैं आपको अक्सर कहता नहीं कि यार और कितनी मिसालें सामने आएंगी कि यार ये काम हमसे करवाया जा रहा है। क्या एक स्कूल को जहन में रख के आप समझ सकते हैं कि स्कूल के पीछे हमें ये जगह मिल जाएगी? आप नोट कीजिए कि सिर्फ वो स्कूल नहीं, उसके अतराफ के वो जो रास्ते थे
वो तक बंद हो चुके थे। यार मुझे लगा साहब भाई, मुझे लगा वो जो तसव्वुरात जो तसव्वुर में होता है ना कि जिन भूत बलाओं का घर ये होगा, तो वो जो जंगल मुझे नजर आया ना, तो वो ऐसा लगा कि हकीकत है हम किसी चुड़ैल के घर का। अगर अकेले किसी शख्स को वहाँ छोड़ दिया जाए शिराज भाई, नामुमकिन बात है, या तो वो बाहर आ जाए सही सलामत मार दिया जाए, या अपने खौफ से मर जाएगा, खौफ से मर जाएगा या मार दिया जाएगा। सच्चा ये जो बता रहे हैं बाहर आ जाए, सबसे पहली जो वो जो चीज़ थी एक जगह दिन दिख रहा है, एक जगह रात दिख रही है, ये क्या फिनोमेना था यार? और रात में भी आधी रात आप इधर इधर दिन दिख रहा है, इधर रात दिख रही है। आपने मैंने आपको दिखाया है कि एक भाई ने कहा कि वहाँ सनसेट हो रहा था। यार बाबा सनसेट उस तरफ होने में हम कुछ उस तरफ कोई हम 1000-2000 फीट दूर नहीं दिखा रहे थे जगह, हम वहीं थे। मतलब लेफ्ट साइड पर रोशनी थी, हमारे राइट साइड पर अंधेरा था, और टोटल जो वो एरिया था ना 500 मीटर भी नहीं था। सही, ठीक है, उसके अंदर अगर सूरज वहाँ ग्रूप भी हो रहा है तो हमारे सीधे हाथ पर तो रोशनी रहेगी ना। सच्चा सवाल ये है कि वो सारे जो थे उसमें वो पत्ते नहीं थे, रोशनी रुक कैसे रही थी, रोशनी कैसे ब्लॉक हो रही थी? करता हूँ वो बोलते हैं तन मन दर्द कहते हैं ना, जिसमें कोई पत्ते नहीं होते सर, भाई जो बोलते हैं ना जगह अपने आप खुद बताती है। हाँ, वो ऐसा लग रहा था कॉन्क्रीट ऊपर छत है, उसके नीचे अंडरग्राउंड में वो उगाया गया। ऐसा नहीं था, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं आप क्या कह रहा हूँ कि ये अगर हम शायद पीछे से देख लेते ना इस स्कूल को पहले तो शायद ना जाते। और हमने तो कितने अटैम्प्ट किए जाने के, कितने अटैम्प्ट की कोशिश की जाने की, कह तो रहे थे कि 24 साल में कोई नहीं आया यहाँ पर। सही यार, एक बात है, ये बात तो हकीकत है यहाँ कि जो हमें सुबह भी कहते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं जो बताया जाता है वो अलग होता है। 99 से स्कूल बंद है सर, हमें और उस वक्त से वो मिटाई भी नहीं है। आपको याद है 22 से जब बात हुई सबसे, मैंने क्या कहा, 9-10 साल से बंद है ये, तो हमने देखा डेट जाके ब्लैक बोर्ड के चौकीदार। अब ना अगर मैं इसकी कहते हैं बात अगर समझनी हो तो उसकी शुरुआत से आप समझें। जब मैं दाखिल हुआ ना तो हमने क्या देखा, मेन रोड से देखा हमें स्कूल नज़र आ रहा था, बड़ी रौनक, लेकिन जहां हमने उस मेन रोड को क्रॉस किया ना, लिटरली हमें वहीं लगा हम कहीं और आ गए। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना कोई आबादी, ना कोई समझने जिंदगी का कोई आसार नहीं। तो पहला असरात थे ना, वो मतलब भाई हम पहुंचे ना, वो दलदल में एक दरख्त जो था वो हरा भरा निकल रहा था, वो सूखा था मेरे ख्याल से। और बाकी यार शराब भी वो काट के जलाना वो समझ नहीं आया। वो आपने तो काउंट भी किए थे 15-20 कितने, हाँ बहुत तकरीबन सारे थे, 10-16 सबके सब जले हुए। अच्छा अभी ना हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं कि हम ये आ कहाँ गए हैं ना, निशाने इतने वाजे मिल रही है। अब हम गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कई सारे कुत्ते जो हैं वो भाई स्कूल की तरफ देख के भौंक रहे हैं, 1-2-3-4 रिकॉर्ड भी है हमारा। अब वो यार मतलब किसको देखकर भौंक रहे हैं यार, फिर हमें देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर हमने देखा है वहाँ कोई नहीं। फिर जो एक पॉइंट वहाँ पर हमने रेस किया कि जब वो कुत्ते हम पर भौंक रहे थे ना, हमने गेट के बीच में बिल्ली को देखा जो छुप के हमें देख रही है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक, हम आगे जाते हैं, इनको जो जो ड्राइंग्स मिलती हैं उस जगह का माहौल, वही बिल्ली हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ थी, उस जगह पर थी वो जहाँ कोई और जानवर नहीं था। कुत्ते तक नहीं आ रहे थे उस जगह करीब जहाँ पर वो बिल्ली हमें एक नहीं दो बार तीन बार कम से कम रिकॉर्ड हुई, उस जगह पर जहाँ पर वो मखलूकात हुई। बिल्ली का फेस ऐसा था जैसे कि बहुत गुस्से में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। आप लोगों को वहाँ मौजूद देखे उस वगैरह में सबसे बड़ी बात सज्जा जो मैंने अभी एडिट पे देखा, उस बिल्ली की आंखों में ज़िंदगी की चमक नहीं थी, कोई शाइन ही नहीं था। अब ना मतलब मैंने जूम किया है देखूँ कुछ एक रिफ्लेक्शन होता है ना, ना दिन में आया ना रात में आया, किसी वक्त नहीं आया उसको, उस वक्त देख के ही ना एक दिल में नहीं आपका ख्याल आता कि नहीं नॉर्मल नहीं है। हम रुके भी हैं कई बार, हम पीछे भी हटे हैं, हमें जब से हम दाखिल हुए ना, जब से मेरे पास ये जगह आई थी ना, इसकी जब वीडियो आई थी, जब वो स्कूल से क्लास में उस जंगल में गए थे ना, मैं उस वक्त से वो जंगल को ख्याल में रखा हुआ था कि यार ये है क्या गड़बड़ जो है ना, मुझे वहीं लग रही थी, ये वाज़े निशानी थी ना। चलो आज नहीं, कुछ अर्से पहले तो यहाँ ज़िंदगी का एहसास होगा, ज़िंदगी होगी, इतनी जल्दी इतना झाड़ियों का जंगल हमने नहीं देखा। हम 50-50 साल पुरानी जगहों पर गए हैं, दो दो साल पुरानी जगह, और सबके सब एक साथ ही वो क्या कहते हैं
बिल्कुल सूखे सूखा पड़ा। ये हकीकत है कि ये जो झाड़ियाँ हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ अर्से बाद ना, मुझे लगता है इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर लेंगे। तो नहीं आपको ऐसा लग रहा था आप किसी गुफा में चले गए ना, गार में चले गए। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक स्कूल में कुछ और माहौल था और दूसरी दुनिया थी, वो कुछ और माहौल था। इनको मुझे हमें मुस्तकिल शाम से लग रहा था कि जहाँ शाम से पहले ही, रात से पहले अंधेरा हो जाए, और जो एक जगह एक अपने अंदर एक ना इतनी उसमें शहर था यार कि मेरी नज़रें नहीं हट पा रही थी वहाँ से। हाँ, हमें शाम से लग रहा था कोई मूवमेंट है इधर, इनको भी लग रहा था, मुझे भी, सबको, आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, और दिख तो कोई भी नहीं रहा था करीब, इतने करीब से। अब जब हमें तो लगा हमने कुछ देखा है, लेकिन जब आपने उसको थ्रेशहोल्ड किया है तब आप देख सकते हैं कि यार वाज़े एक नहीं, एक के पीछे एक साये जो है ना, वो हमने रिकॉर्ड की, एक बड़ा तेजी से गया और दूसरा ऐसे जा रहा था जैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हो, जिस पर मेरी उनकी आवाज निकली कि बुढ़िया है, बुढ़िया, जैसे बूढ़ी औरत नहीं चलती, वो हमें लगा। और वो तो हमने सिर्फ उनकी जहाँ जगह मिली वो रिकॉर्ड किया ना, पता नहीं वो कितने थे क्या थे, उनको रिकॉर्ड करके हम पीछे हटे। ये दोनों चीखे हैं इन्होंने, वो जो छत पता नहीं क्यों बंद कर दिया था, वो छत ताजी लगाई थी, वो दीवार बाद में बनाई थी, वो दीवार वो ऐसा पूरा जो सीढ़ी का जीने का पहले नहीं थी, वो बाद में बनाई गई थी, मतलब आगे ना आ सके कोई या छत पर ना जा सके कोई। अब उसके कोने पे इन्होंने जो देखा है, जो मैंने भी एडिट पर देखा है, उस वक्त तो मुझे लग रहा था जो काला सा काला निशान है ना आपका, शायद वो देख लिया है उस वजह से। हेड देखी थी आपने बाबा, उसके अंदर कोई है, उस काले निशान में कोई है यार। मेरे भाई अल्लाह ने बचाया, करम किया, कोई कीली कोई नोक ऐसी नहीं थी, हमारे भाई खिड़की तोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये हो जाता है, उधर ये मामला, पीछे ये मामला, बंदा जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल, और सजाद भाई इतनी में क्या बोलो, दीवार पूरी गिर जाए। शाम में मैंने आपको नहीं बोला कि फुल मतलब जली हुई है दीवार पूरी, उसमें क्रैक भी था, वो दो जगह से टूटी हुई थी, चारों कोने खत्म थे, जगह छोड़ दी तकरीबन सिक्स पिलर से सेवन की तरफ हाइट नहीं, जो हमने कभी जो दिखाई सर खातून खड़ी पतली सूखी सी, और पोस्टर जो ऐसा लग रहा है किसी खातून का, किसी दोशीज़ा का है, नौजवान औरत का। बात बताऊँ एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ये जब जंगल की तरफ हम गए ना, यकीन करें दिल क्या कह रहा था, आज शायद कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, शायद बाहर बहुत मुश्किल से निकले, अब भी कुछ होने वाला, मैं इन्हें रोक रहा हूँ कि ये हमें अपनी जगह ले जा रही है, ये ले जा रही है, और ये पता नहीं इस शहर में थे क्या थे, ये मुसलसल आगे जाए, मैं रोक रहा हूँ भाई। मैं आपको करूँ, मैं ये अभी देख रहा हूँ कि मैं खुद कैसे चला गया सर, मैं आपको खुला बता देता हूँ कि शायद समझ लो उन्होंने बुलवाया हमें, उन्होंने खुद हमें आने दिया, खुद बुलवाया, खुद हमसे मुलाकात की, सब कुछ करवाया उन्होंने करवाया। मैं तो शाम से बात कह रहा हूँ कि जहाँ जाने का रास्ता है ना जाना है उस जगह पर, जहाँ एंट्री पे ही आपको इतनी बड़ी हड्डी का पीस मिलता है। अंदर इतनी बड़ी, इतनी बड़ी हड्डी का पीस एंट्री पे, ठीक है, अंदर आप जा रहे हैं आपको खोपड़ियां मिल रही हैं दो तीन, तो ये अभी सिर्फ यहाँ से कुछ 20-25 फुट के रास्ते में आपको इतनी हड्डियां मिल गई, जमीन का सर जिस किसी ने कांटे बिछाए हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ऐसा लग रहा था कोई बुला रहा है, कोई ले जा रहा है, चले ठीक है, हॉन्टेड नहीं थी, चुड़ैल भी नहीं थी वहाँ, लेकिन भाई वहाँ कांटे, लेकिन हम मुसलसल जाया जा रहे हैं, इनको रोक रहा हूँ भाई, भर चुके हैं शूज, तो आपने शायद देखा भी हो रिकॉर्डिंग में,
नहीं, वो मुसलसल जाएगा क्या ताकत थी क्या शहर थी उस तरफ खींचे ये चल रही है उस अजीब सी। अब जैसे मैं आर्ट वर्क का काम करता हूँ तो मुझे आर्ट का कुछ हावन होने के कहाँ का किस तरफ का है, जो तस्वीरें बनी हुई थी ना जो मेन जगह थी ना वो पाकिस्तानी आर्ट वर्क नहीं था, वो ऐसा था बांग्लादेशी। अच्छा जिस तरह का बनता है ना वॉल्स पे ग्रिफ्टी कहते हैं जो बाहर जो तस्वीर अजीब सी चेहरे पे, वो एक बहुत ही अजीब सा था, वो हमारा पाकिस्तानी आर्ट वर्क नहीं लग रहा था। देखें हमारी हिंदू बिरादरी में बिंदिया लगाई जाती है, बंगाल में लगाई जाती है, अब क्या ये उतना पुराना था कि क्या हमें पाकिस्तान से पहले की ये चीज़ें थी? लेकिन दो तस्वीरों पे बिंदिया थी और दो में नहीं थी, दो में नहीं। तो ये मुझे बड़ा अड्रप्ट लगा मामला कि क्या चक्कर है ना, क्या दो बहनों का बनाया गया, दो चीज़ों का बनाया गया? वल्लाह आलम सर, जानवरों ने जो हमारा साथ दिया एक बार फिर, लिटरली कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि कुत्तों की आवाज़ें सुन के ना गूज बम्प्स आ गए उनको, जिस तरह वो रिप्लाई दे रहे थे, जिस तरह वो रो रहे थे, अब वो आवाज़ें मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे चारों तरफ ना एक क्राउड है उस वक्त किसी पवेलियन में, ग्राउंड में होता है जैसे आपकी ग्राउंड के अंदर आप हैं और सब आपको चारों तरफ से देख रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जो मखलूकात है ना वो हमें चारों तरफ से देख रही है, बच्चे खवातीन तो थी किसी मर्द की आवाज़ नहीं आई थी हमें आखिर से पहले तक, हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी, खवातीन की आवाज़ सुनी, जानवरों की आवाज़ें सुनी, बतख की सुनी, टहरी सर पे, ये तीसरे कोने पे आ गई। मैं मान गया जी, मैं मान गया। मैंने आपसे क्या कहा, जब कोई हमला होने वाला होता है मैंने ये फील किया कि वो पॉजिटिव है, भाई आप कब से शूट कर रहे थे वो नहीं आई, और जब वो मामला बिगड़ने लगे ना तो ये अल्लाह की तरफ से मदद आई। आप ये मुझे कहते हैं कि आप कैसे बुला लेते हो या आप कैसे कर लेते हो, मैं खुद कहता हूँ कि यार ये सब करवाया जा रहा है, हो रहा है, कहाँ कहाँ हम इस बात को डिनाई करेंगे, कितनी बार डिनाई, कितनी दफा करेंगे? हाईवे स्कीम 33 ठीक है, फिर आपका अल्लाह भला करे ये गडाफ, फिर ये हब चौकी के पास तीन कोने, फिर हम सी वी भी गए थे चौथा कोना, वहाँ पर भी हर जगह साथ साथ एन उसी मौके पर उसका आना, जब हम किसी मोस्ट जिसे कहते हैं ना कि हमें बता देती है कि ये इस जगह की सबसे प्लेस है। ये तो हम शूट कब से शुरू करते हैं ना, हाँ हम 3 बजे से शूट पे जाना कहीं नहीं आती, लेकिन जब हमारा एक्सट्रीम लेवल बढ़ने लगता है ना, खुदा ना खासा कुछ होने लगता है यार, तो ये सर पे डेड एंड पे है ना, बस इसकी जो आवाज़ें आनी शुरू हो रही है बस अब बहुत हो गया। मंगू पीर पे तो ये इतने सर पे आई है कि हमें दिख रही थी, इतने नीचे आई है, अब इतने मैंने मुझे याद है यार मैं ये सोच रहा था कि अब से पहले क्यों नहीं आवाज़ आई थी ये इनके जो बड़े थे मर्द थे जो भी थे, हमने क्या कुछ नहीं कहा क्या कुछ नहीं किया वहाँ पर, हर कोशिश की, आवाज़ आई किस बात पे? मैंने इस पर बड़ा मेरे ख्याल से हम उस लेवल को पार कर चुके थे, वो भी कर चुके थे दादा। फिर मेरे जबान से एक जुमला निकला, एक लफ्ज़ निकला था, मैंने कहा था मुझे नहीं समझ आ रही कि हमने आवाज़ों में क्या सुना है, हमने आवाज़ें बच्चे और ख़वातीन की सुनी, जहाँ मेरी ज़बान से ख़वातीन निकला ना वहाँ एक ना एक जुमला आया सामने मेरे, एक आवाज़ आई भारी सी, मैं तो वहीं खड़ा रहा ना, मतलब मुझसे तो हिला ही नहीं गया, हम जहाँ थे ना वहीं रुक गए, ये भाई जो है ना हमारे इनको आया कुछ समझ, तीन की है बुल्ले भरो ऐसी आवाज आई जो मैं उसी टाइम मतलब मेरे ख्याल में शायद सोहेल भाई का हाथ पकड़े सज्जाद भाई का हाथ पकड़े, मैंने बोला अब जी तो बस सज्जाद, वो 360 आवाज थी जैसे मैं वो जब इसने पकड़े ना ऐसा लगा कि जैसे कि इधर से एक ही बंदा तीन तरफ से बोल रहा है। अच्छा मैंने गौर किया वो किसी एक की आवाज नहीं थी, एक आवाज नहीं थी, भारी गूंज रही थी लेकिन वो आवाज़ एक की नहीं थी, एक से ज्यादा लोगों की आवाज़ थी। मैं आपको क्या कहा, मुझे बहुत ज्यादा लगते थे वहाँ पर, और अगर ऑडियो को गौर से सुन लेना वो किसी एक की नहीं है, तीन की है। अब क्योंकि अगर आप ऑडियो पे गौर करें किसी एक से ज्यादा आवाज़ें आई हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन वही थी आने की, मतलब हमारे अपोजिट, यार वहाँ कोई कैसे हो सकता है सुन भाई, मतलब हम तीन लोग थे लाइट्स के साथ, हम ऐसे ऐसे कदम रख रहे थे और आगे तो बिल्कुल पांव रखना इम्पॉसिबल था, उसके अंदर से वो आवाज़ें आई, उस जगह के अंदर से कोई कैसे हो सकता है वहाँ? मुझे ये बताएं कि आपको अगर सुना जैसे कोई पंजाबी में बात करे, ठीक है, मुझे भाई को जो जबानें आती हैं उनमें कोई बात करे आ जाए, अब ये बलूची जबान तो नहीं थी, लेकिन बरोही जुबान, बरोही
ये जैसे हमारी पंजाबी में भी अलग अलग तीन चार किस्म की होती है ना, कहते हैं ना उसकी पिंडी में थोड़ी सी मुख्तलिफ बोली जाती है, हजारा में थोड़ी सी मुख्तलिफ बोली जाती है, लाहौर में अलग है, इस तरह की फर्क इसी तरह की जबानों का है। मतलब जैसे रिंद है, बिरोही है, मक्सी है। अच्छा जी, ऐसे और ये है बड़ी कदीम जबान, बहुत कदीमी जबान है, तीन की है। यार ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, हमने पहले भी ज्यादा एक फैक्ट्री के बाहर हमें कोई बंगाली आवाजें जो है ना वो हमें नहीं समझ आई थी, लोगों ने बताया कि ये बंगाली आवाज बंगाली जबान में बोला गया आपसे, तो ये हम मैंने सुना था इस तरह के वाक्यात के जब असरात होते हैं, जैसे अमेरिका में कहते हैं ना वो ब्लैक अमेरिकन भाई वो पंजाबी में बात कर रहे थे, जिसने आज तक ना कोई फिल्म देखी ना कोई किताब पढ़ी ना किसी को सुना, और लिटरली ऐसे पंजाबी जैसे बचपन से उनको आती हो। ये बड़ा मशहूर हुआ था वाकया, हमने अजीम सरवर साहब ने सुनाया था। इसी तरह कहते हैं कि यार ऐसन चंगेजी अपना बल्तीनी जबान बोलना शुरू हो गया था दिल पकड़ लिया, तो इनकी भी जबाने हैं जी, जैसे इनमें भी कास्ट है हिंदू मुसलमान ईसाई, इनमें भी हैं मज़हब, इनमें भी जबाने हैं पंजाबी अंग्रेज बलोची से, वो हमने भी ना अरबी जिन उन्होंने तबू के अंदर ना वहाँ के हुलिये होते हैं, उन्होंने अरबी में बोला था, अरबी में बोला था जिसका मतलब बताया था हमने। अब इसी तरह वो इलाका उनकी खवातीन उनके बच्चे हर तरह के, बस मसला ये हुआ, बात ये हुई, हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा आखिर यहाँ पर क्या हुआ जिसके बाद से मामला शुरू हुए, पहले क्लासेस होती थी उसके बाद एकदम से जो एक मामले बढ़े ना, ऐसा एक्सपीरियंस जी मतलब जिस पर हम खुद हैरान थे, मैं वहीं खड़ा हुआ हमें हजूर होते हैं, आप क्या हैरान होते, हम खुद हैरान थे वहाँ पर कि हम कहाँ आ गए हैं, ये जगह क्या है, आप पहुँच कैसे गए हैं, आप पहुँच गए थे तो हम नहीं लग रहा था कि बहुत नॉर्मल सी जगह लग रही थी, इतनी हॉन्टेड नहीं है, स्कूल तो देखने में लग रहा था कि आम होगा, लेकिन जब उसके पीछे पहुँचे हैं ना उसको तो समझते हैं कि असल जगह वही थी, स्कूल तो एक बहाना कह लें, उसकी जद में जो चीज़ें आई ना वो शायद जब वो ग्राउंड खाली है, जहाँ वो दरख्त लगे हुए हैं, तो ये अगर 40 साल पहले भी ये बना होगा तो जगह तो खाली होगी ना, उन्हीं का तो हिस्सा होगी ना, चल शायद भी वहाँ पे जो सात बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर लगाए थे ना वो टेढ़े हुए हुए थे, कॉलम टेढ़े हुए हुए बताएं आप जिस पर इमारत खड़ी होती है, ये तो इनकी तो उम्र हजारों साल है ना, ये इन्हीं की जगह पे तो हम तो अभी आए ना, मुझे बाद में भेजा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कई लोगों ने नोटिस किया, नोट किया, निशानियों को महसूस किया, मैं ऐसे ही नहीं कहता था आपको कि पुरसरार जगहों की अपनी निशानियाँ होती हैं, ये तो आपने देख कर अंदाज़ा लगा लिया, महसूस कर लिया, आप सोचें जो वहाँ पर मौजूद होगा उसको क्या महसूस कर रहा होगा और उधर का माहौल क्या होगा, जहाँ इधर देखें रोशनी इधर देखें तो अंधेरा, और आवाज़ें इतने करीब से जैसे हमारे पाँव के पास इस दरख्त के अंदर से आवाज़ें हमने खुद सुनी हैं, और नज़र आपको कोई ना आ रहा होगा, फिर आप अपनी आँखों पर यकीन ना कर रहे हो कि जब अंधेरा है, चलो अंधेरा है, वो अंधेरा चलना शुरू हो जाए, आप अंदाज़ा लगाएं एक जगह अंधेरा है आपको नज़र आ रहा है, ये साया है शायद किसी चीज़ का, वो साया जब आपकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाए, फिर वो साया आपके सामने भी हो आपके पीछे भी हो ऐन उसी वक्त, फिर लेकिन सिद्धार्थ वो पीछे जिस तरह से वो जाहिर हुए कैमोफ्लाज थे, वो मतलब एक इंसानी हिस ने जो उसे खतरे में भाग, यही हुआ है वो ना इमेज में नहीं पता चल रहा सर, यही हुआ है, सामने देखा है आपने, आप पीछे मुड़े हैं वहाँ देखा है आपने, अब वापस आया फिर देखा है वो नहीं है, ना इधर है ना उधर है, ये तो ये था बस, ये तो ये था बस कि आपस में ना एक डिस्प्यूट हो जाए, मतलब कोई अकेले हो जाए, जैसे ये जो तीन साथ थे ना ये अलग हो जाए, यही होता है जिसको जहाँ जगह मिले और फिर वो शिकार बन जाता है, तो मैं अक्सर कहता हूँ जो साथ है ना बस ये बचा जाता है, बेशक जी करम था है रहेगा, दुआएं थी हैं रहेंगी, करने वाले काम है नहीं है, करवाए जा रहे हैं सब खुद ब खुद ही, तो बस हम निकलते हैं कि देखी जाएगी, अब हम ये जोर देते हैं कि जो हमने सुना होता है ना हम सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं रहते, हम खुद अपनी कोशिश करते हैं कि नहीं यार इन्होंने शायद नहीं पता तभी तो हमें बुलाया इन्होंने, और जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं मिलती हैं अपने तजर्बे के बिना पे आपसे शेयर कर देते हैं, जो समझ नहीं आता महसूस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, करम हो जाता है, तो यकीन है जी उम्मीद है कि देर आए दुरुस्त आए, एक आध हफ्ता नहीं आ सके ये BSL ट्रांसमिशन की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला कहते ना जो होता अच्छा होता है, दोबारा इतवार आ गया तो अभी भी तैयारी है एक जगह की, सही अब बस इतना बता देते हैं आपको
कि कोई घर, कोई हवेली, कोई स्कूल, कोई बेसमेंट, कोई तहखाना नहीं, एक पूरी सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी जिसको कहते हैं जिन्नात की सोसाइटी, जिन्नात का इलाका बुलाया गया है, हमें जा रहे हैं, बताते हैं आपको। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रहे, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।